नमस्कार दोस्तों, मैं चांदनी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने प्रोग्राम सोशल मीडिया मस्ती में। और इस प्रोग्राम में मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी पोस्ट, कुछ ऐसी वीडियोस और कुछ ऐसी फोटोज लेकर आती हूं जो कि भोजपुरी स्टार्स अपने फैंस के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हैं और उनके फैंस उनको देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और साथ ही साथ इन फोटोज़, वीडियोज़ और पोस्ट से आप लोगों को मिलती है ढेर सारी जानकारियाँ, और इसलिए इस प्रोग्राम में मैं आप लोगों के लिए फोटोज़, वीडियोज़ और पोस्ट लेकर आती हूँ। और आज भी कुछ ऐसे ही फोटोज़, वीडियोज़ और पोस्ट लेकर हाजिर हूँ जो कि आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि उससे काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलेंगी और साथ ही साथ कई सारी बातें ऐसी होंगी जो कि आप लोगों ने अभी तक नहीं सुनी होंगी, नहीं देखी होंगी, जो कि आप लोगों को आपके फेवरेट स्टार्स के बारे में सुनने और देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में, प्रोग्राम को। और सबसे पहली जो पोस्ट है वो है खेसारी लाल यादव की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल खेसारी लाल यादव काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहते हैं और लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और साथ ही साथ खेसारी भी अपने फैंस के लिए हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल करते रहते हैं, कुछ अलग हटके कुछ ऐसी चीज़ लेकर के आते हैं अपने फैंस के लिए कि उनके फैंस उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करें। और इस बार भी खेसारी लाल यादव ने कुछ ऐसा ही अपने इंस्टा अकाउंट पर पोस्ट किया है जो कि उन्होंने उम्मीद की है कि लोग ने इसको काफ़ी पसंद करेंगे, और काफ़ी लोगों ने इसे पसंद भी किया है और लाइक भी किया है। बता दें कि ये इन्होंने एक पोस्ट डाली है जिसमें इनकी एक वीडियो है जो काफ़ी ज़्यादा फनी है, जिसमें खेसारी एक कुक की जॉब करने के लिए प्रियंका पंडित के घर आते हैं। जी हाँ, इसमें प्रियंका पंडित हैं आप लोग इनके साथ, और इसमें ये एक कुक की जॉब करने प्रियंका के घर आते हैं और इसी बीच होती है ढेर सारी कॉमेडी। और आपको बता दें कि आजकल खेसारी लाल यादव की कई सारी फिल्में आप लोगों को देखने को मिलने वाली हैं और उनके साथ उनकी सबसे फेवरेट जोड़ीदार और कही जा सकती हैं, जिसको हर कोई बहुत पसंद करता है खेसारी लाल यादव जी के साथ, काजल राघवानी जी भी, आप लोगों को उनके साथ ढेर सारी फिल्मों में देखने को मिलने वाली हैं। और बता दें कि खेसारी लाल यादव आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहते हैं, और कुछ ऐसा भी है जो सरप्राइज़ है उनके दर्शकों के लिए, उनके फैंस के लिए, जो कि बहुत जल्दी वो आप लोगों के सामने अनाउंसमेंट कर देंगे, तो उनके सरप्राइज़ को सरप्राइज़ ही रहने दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अगली पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। और जो अगली पोस्ट है वो मोनालिसा की है। आप लोग जानते ही हैं कि मोनालिसा ने अभी किसी बंगाली फिल्म में काम किया था और उस बंगाली फिल्म का जो गाना था वो भी आ गया, और उसमें मोनालिसा काफ़ी अच्छी दिखी और बहुत हॉट दिख रही थी, बंगाली रूप में दिख रही थी, एक बंगाली गर्ल या फिर ये कह लीजिए कि एक बंगाली नारी के रूप में नज़र आ रही थी। लेकिन अब उनकी एक और फिल्म आज रिलीज कर दी गई है बिहार और झारखंड के सिनेमाघरों में। बता दें कि उस फिल्म का नाम है नथुनिये पे गोली मारे 2, और ये जो फिल्म है इसको भी लोगों ने अच्छी खासी ओपनिंग दी है और चल रही है बिहार और झारखंड के सिनेमाघरों में। और बता दूं आप लोगों को कि मोनालिसा ने उसी फिल्म से जुड़ी एक फ़ोटो अपलोड करी है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसमें कि उनके पति और भोजपुरी के अच्छे खासे एक्टर कहे जाने वाले विक्रांत सिंह राजपूत उनके साथ नज़र आ रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं ये दोनों एक दूसरे के, और विक्रांत उनके गाल पे किस कर रहे हैं। और बता दें आपको कि इसमें मोनालिसा काफ़ी हॉट दिख रही हैं, उन्होंने एक टॉप पहना हुआ है जो कि स्लीवलेस है और वो ब्लैक कलर का टॉप है, और उनके साथ विक्रांत भी बहुत ही रोमांटिक अंदाज में नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों पहली बार किसी ऐसे कोई ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों एक साथ नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी सारा रोमांटिक अंदाज भी आप लोगों को इस फिल्म में इन लोगों का देखने को मिलेगा। तो चलिए अगली पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। और जो अगली पोस्ट है वो ऋतु सिंह जी की है। आपको बता दें कि भोजपुरी के कोई खास स्टार तो नहीं है, लेकिन भोजपुरी के स्टार्स के लिए कम भी नहीं है, और भोजपुरी के स्टार्स के लिए ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी माने जाते हैं, क्योंकि हमेशा ही कहीं ना कहीं ये अवार्ड फंक्शन रखते हैं और अपने भोजपुरी के जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं उनको इन्वाइट करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं अवार्ड से। तो बता दूं कि आज उनका यानी कि विकास सिंह वीरप्पन का जन्मदिन है, और इस मौके पर ढेर सारे स्टार्स उनको काफ़ी सारी जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं, और वीरप्पन भी काफ़ी खुश हैं। और ये जो पोस्ट है ये पोस्ट ऋतु सिंह जी ने अपलोड करी है अपने इंस्टा पे, और साथ में उनके बैठे हैं वीरप्पन, जिसके साथ ऋतु काफ़ी मस्ती भरी अदाओं के साथ नज़र आ रही हैं, काफ़ी खुश हैं, और दोनों ही बेहद अच्छे लग रहे हैं साथ में देखने में, बहुत ही खुश दिख रहे हैं। बता दें कि आज इनको काफ़ी सारे स्टार्स ने बधाइयां दी हैं, और साथ ही साथ ऋतु ने भी इनको बधाइयां दी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऋतु अपने हमेशा किसी न किसी रोल को लेके
हमेशा चर्चा में रहती हैं और लोग इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और खेसारी लाल यादव तो इनको गुड़िया कहते हैं छोटी सी। खैर रितु हैं भी इतनी क्यूट कि इनको हर कोई गुड़िया कहता हुआ नज़र आता है और बहुत ही खूबसूरत हैं। तो चलिए अगली पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं, और जो अगली पोस्ट है खेसारी लाल यादव की है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस बार सावन आने बहुत जल्दी सावन आने वाला है और शुरू होने वाला है कांवड़ का मेला, जो कि पूर्वी यूपी और बिहार में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और बिहार में इसके लिए स्पेशल छुट्टी भी होती है कांवड़ के मेले के टाइम में। बेशक गर्मियों की छुट्टी ना पड़े, लेकिन वो कांवड़ के मेले के लिए छुट्टियां पड़ ही जाती हैं बिहार में। और बिहार में कांवड़ का मेले का जो गाना होता है काफ़ी ज़्यादा चर्चित होता है, और इस बार खेसारी लाल यादव ने कांवड़ के गाने की शुरुआत कर दी है। अब तो न जाने कितने सारे गाने आएंगे, लेकिन सबसे पहला गाना खेसारी लाल यादव का है कांवड़ का। और इस गाने के बोल हैं, केकरा संगे जाएं बाबा धाम, बता रही हैं सावन के बाद। बेहद ही काफ़ी अच्छा गाना है, जो कि आप लोग सुन सकते हैं इनके YouTube चैनल पर। और बता दें आपको कि ये पहला इस सीजन का पहला एल्बम है जो कि खेसारी लाल यादव ने गा दिया है सावन के लिए। और अब तो हजारों गाने आएंगे और आप लोगों को कांवड़ के ढेर सारे भोजपुरी के गीत सुनने को मिलेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए सावन का मेला खेसारी के साथ देखने का। तो चलिए अगले पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं, और जो अगली पोस्ट है वो है लुलिया गर्ल निधि झा की, जिसमें लुलिया काफ़ी ज़्यादा मस्ती करती हुई नज़र आ रही हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी उनकी जो फिल्म थी, फिल्म जो जिसकी शूटिंग चल रही है, मैं नागिन तू सपेरा और है इश्क कबूल, ये दो फिल्मों की शूटिंग में निधि अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। लेकिन अपने फैंस के लिए वो टाइम निकालना नहीं भूलती, और इस बार भी उन्होंने टाइम निकाल लिया है और निकाल के ढेर सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही हैं और वीडियोज़ बना रही हैं और मस्ती के मूड में नज़र आ रही हैं। बता दें कि ये लोग जितने भी स्टार्स होते हैं, ये लोग शूटिंग के टाइम पे जो भी मस्ती करते हैं अपने फैंस के साथ ज़रूर शेयर करते हैं, ताकि उनके फैंस उनसे जुड़े रहें, ताकि उनके फैंस के बीच में वो गुमनाम ना हो पाएँ। और यही किया है निधि झा ने, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मस्ती करती हुई नज़र आ रही हैं इस वीडियो में, और बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। बता दें कि निधि की दो फिल्में आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली हैं। एक में तो निधि नागिन के रूप में नज़र आएंगी, जिसमें इनके साथ अरविंद अकेला कल्लू नज़र आएंगे, और दूसरी फिल्म जो है इश्क कबूल में एक नया एक्टर इनके साथ डब कर रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश नसीब कहा जा सकता है, क्योंकि उनके साथ लुलिया गर्ल निधि झा सबसे पहली फिल्म में ही काम करने जा रही हैं। तो चलिए निधि की ये दो फिल्में आप लोग ज़रूर देखिएगा, और इसका वेट भी कर रहे हैं कई लोग। तो आने वाले टाइम में जब भी आएगी ये फिल्म आप लोग को बता देंगे हम। आप तब तक के लिए अगली पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं, और जो अगली पोस्ट है वो है रितु सिंह जी की। रितु सिंह इसमें काफ़ी ज़्यादा अलग तरह की ड्रेस पहनी हुई नज़र आ रही हैं, जिसमें कि उन्होंने बिल्कुल ही ढीला सा कपड़ा पहना हुआ है, एक तरह से कहा जाए तो मुजरे का कपड़ा पहना हुआ है, और बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। ये किसी फिल्म के सेट की फ़ोटो हो सकती है, क्योंकि वो इस तरह के कपड़े नॉर्मली तो नहीं पहनेंगी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो रितु सिंह हैं ये शायद कोई सी नई मूवी लेकर आ रही हैं, या फिर उनकी किसी पुरानी फिल्म का फ़ोटो है ये। जो भी हो, रितु इसमें बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं, और हमेशा से ही वो अपने किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में रहती हैं, और ज़्यादातर फिल्मों के मामले में काफ़ी च्यूजी रही हैं, और कोई भी फिल्म स्क्रिप्ट पढ़कर ही साइन करती हैं। उनकी ये बहुत ही खास बात है, और उनके दर्शकों को उनसे ये बात सीखनी चाहिए। तो चलिए अगली पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं, और जो अगली पोस्ट है वो है आम्रपाली दुबे जी की। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आम्रपाली दुबे जी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती हैं, और सबसे पहले विश करने का किसी को भी बर्थडे अगर या फिर मैरिज एनिवर्सरी विश करनी हो तो सबसे पहले आम्रपाली दुबे की ही विश जाती है, और वो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ी होती हैं। हर किसी के अंदर कोई ना कोई बात होती है, तो उनके अंदर भी ये बात है कि वो सबसे पहले हर किसी को विश करना पसंद करती हैं। इससे पहले एक और रितेश पांडे जी का जन्मदिन था, तो उस पर भी आम्रपाली ने उन्हें सबसे पहले विश किया था, और अब की बार जब वीरप्पन यानी कि विकास सिंह वीरप्पन जी का जन्मदिन है, तो उस पर भी आम्रपाली ने सबसे पहले अपनी पोस्ट डाली इंस्टा पे, उसके बाद ही किसी और के जन्मदिन की बधाई आई उनको, और या फिर किसी और ने अपनी सोशल मीडिया पर अपनी कोई पोस्ट डाली उनके जन्मदिन को लेकर, लेकिन आम्रपाली ने उन्हें सबसे पहले विश किया, और साथ ही साथ विश करने के साथ ही उन्होंने उनके साथ एक फ़ोटो भी शेयर करी अपने इंस्टा अकाउंट पर, और साथ में लिखा कि हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू विथ वॉट एवर यू विश फॉर, मतलब कि जो भी आप चाहते हैं वो ज़रूर पूरी हो जाए, और आम्रपाली जी ने उन्हें काफ़ी सारी दुआएं दी हैं। तो चलिए अगली पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं,
और जो अगली पोस्ट है वो है काजल राघवानी जी की। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि बीते दिनों काजल राघवानी जी की बहन का बेबी शावर यानी कि गोद भराई की रस्म थी और उसमें काजल जरूर पहुंची, और पहुंचे भी क्यों ना, आखिर मौसी बनने वाली हैं तो उनके लिए तो ये बेहद ही खास मौका था। और उस समय काजल अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पहुंची और करी ढेर सारी मस्ती, और लोगों ने भी उनकी इस पोस्ट को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। वो अपने फैंस को नहीं बोली, उनकी ये खास बात है कि कितना भी कुछ हो जाए अपने जो भी करती हैं अपने फैंस के साथ इंस्टा के जरिए या फेसबुक के जरिए जरूर शेयर करती हैं, और इस बार भी उन्होंने ऐसे ही किया, ढेर सारी फोटोज क्लिक करके डाल दी अपने इंस्टा अकाउंट पर और लोगों ने भी ढेर सारा प्यार दिया उनकी फोटो को। तो चलिए आज के प्रोग्राम में बस इतनी ही पोस्ट, इतनी ही फोटोज और इतनी ही वीडियोज थी, और अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे आप लोगों के सामने कुछ ऐसी फोटोज वीडियोज और पोस्ट लेके। उम्मीद करते हैं कि आपको इन सारी फोटोज वीडियोज और पोस्ट से कुछ जानकारियां मिली होंगी और आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप लोग देखते रहिए नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। नमस्कार। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।